रोहित शर्मा नहीं थे आउट, अंपायर का निर्णय था गलत, तस्वीर शेयर कर खुद दिया सबूत। नमस्कार, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए मैच में भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा को विवाद शपथ आउट दिए जाने पर काफी बवाल हुआ और अभी भी ये बवाल खत्म नहीं हुआ है। भारतीय प्रशंसक सोशल मीडिया पर अंपायर के गलत निर्णय के विरुद्ध अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। बता दें कि केवल भारतीय प्रशंसक ही नहीं बल्कि खुद रोहित शर्मा ने इस निर्णय को गलत बताया। उन्होंने शुक्रवार को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की और निराशा जाहिर की। बता दें कि वेस्टइंडीज के विरुद्ध मैच में रोहित शर्मा ने 23 गेंदों में 18 रन की पारी खेली। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें साफ दिख रहा है कि गेंद और बल्ले के बीच थोड़ी जगह थी और गेंद पैड से टकराकर विकेट कीपर के हाथों में गई थी। रोहित शर्मा ने अंपायर के निर्णय पर निराशा व्यक्त की। बता दें कि रोहित शर्मा ने कैमर रोज की गेंद पर शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद रोहित शर्मा के बल्ले और पैड के बीच से निकलकर हॉप के हाथों में पहुंच गई। मैदानी अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ ने रोहित शर्मा को नॉट आउट करार दिया लेकिन जब वेस्टइंडीज की टीम ने DRS लिया तो तीसरे अंपायर ने स्निकोमीटर का सहारा लेकर रोहित शर्मा को आउट करार दे दिया। लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में बहुत गैप था। इसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। रोहित शर्मा द्वारा किए गए ट्वीट पर यूजर ने कमेंट भी लिखा और रोहित शर्मा को सपोर्ट किया। एक यूजर ने लिखा कि कोई बात नहीं, बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ छोटी छोटी मिसहैप्स होती रहती है लेकिन आप इंग्लैंड के विरुद्ध दोहरा शतक लगाकर रन की कमी पूरी कर लेना। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।